हे गाइस, कैसे हैं आप सब। मैं हूं आपका दोस्त सफर एक बार, और स्वागत है आपका हमारे चैनल सफर स्टूडियो में, जहां पर कॉन्सेप्ट और डिमांड आपकी होती है और फोटो एडिटिंग मेरी। दोस्तों, आज की जो वीडियो है ये बहुत ही अमेजिंग 2021 का हैप्पी न्यू ईयर वाला एडिटिंग है, और इसमें मैंने जो भी बैकग्राउंड एंड पीएनजी यूज़ किया है वो सब आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, आप मेरे वेबसाइट से जाकर इसे डाउनलोड कर सकते हैं। और आज की वीडियो में मैं आपको लाइटरूम का प्रीसेट भी देने वाला हूँ। पहली बार मैं प्रीसेट दे रहा हूँ, तो प्रीसेट को किस तरह से यूज़ करते हैं और क्या क्या है इसमें चीज़ें, ये आपको वीडियो के बिल्कुल एंड में बताऊंगा। तो वीडियो को पूरा एंड तक देखना, कोई भी स्टेप आप मिस मत करना। तो चलिए स्टार्ट करते हैं बिना किसी देरी के साथ। सो गाइज, यहाँ पर आपको क्या करना है, सबसे पहले पिक्सआर्ट एप्लीकेशन जो है उसे ओपन कर लेना है, और ये जो बैकग्राउंड है ये बैकग्राउंड आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगा, वहाँ से डाउनलोड कर लीजिएगा। इसके बाद आपको जाना है सिंपली ऐड फोटो में, और यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक ट्री का पीएनजी मिल जाएगा। ये क्रिसमस ट्री है, इसका पीएनजी मैं आपको दे देता हूँ। सिंपली आपको क्या करना है, फोटो के ऊपर रिसाइज कर लेना है, जिससे ये पूरी तरह से फोटो पे फिट आ जाएगी। इसके बाद मैं इसको डन कर लेता हूँ। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ से आपको क्या करना है कि गिफ्ट का पीएनजी ले लेना है। गिफ्ट का पीएनजी लेने के बाद आपको क्या करना है, इसे भी मैं आपको रिसाइज कर देता हूँ, और ये इसको फोटो के ऊपर फिट कर लेना है। इसके बाद आपको एडजस्टमेंट में जाना है, और इसकी ब्राइटनेस थोड़ी सी कम कर देनी है, कॉन्ट्रास्ट को थोड़ा सा बढ़ाना है, क्लैरिटी थोड़ी सी बढ़ा लेंगे, और सैचुरेशन जो है उसको थोड़ा सा कम कर लेंगे। ओके, तो ये देखिए यहाँ पर हमें एडजस्टमेंट हो चुका है हमारे कलर का, यहाँ पे कलर करेक्शन हो गया थोड़ा सा। इसके बाद मैं इसको सिंपली डन कर देता हूँ। अब इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में चलेंगे। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको यहाँ से क्या करना है कि ये जो मॉडल है, हमें क्या करना है, ये मॉडल का फ़ोटो लेना है। ओके, तो आपको कुछ इस तरह के पोज में आपको फ़ोटो क्लिक करा लेनी है। इसके बाद मैं आपको क्या करूँगा, फिर से ऐड फोटो में जाऊँगा, और यहाँ से मैंने फ़ोटो को मतलब बैकग्राउंड को पूरी तरह से इरेज कर लिया है। अगर आप लोगों को बैकग्राउंड इरेज करना आता है तो अच्छी बात है, अगर नहीं आता है तो इसके ऊपर भी मैंने वीडियो बना रखा है, आप उसे देखकर सीख सकते हैं कि बैकग्राउंड किस तरह से इरेज करते हैं फुल एचडी में। लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसके बाद आपको मॉडल को कुछ इस तरह से बैठाना है, जैसे ऐसा लगना चाहिए कि ये गिफ्ट के ऊपर बैठा हुआ है और हाथ वहीं पर साइड में रखा हुआ है, राइट। यानी कि एक हाथ को मैंने कपड़े के ऊपर टच किया और दूसरे हाथ को क्या किया कि गिफ्ट के ऊपर रखा है। इसके बाद आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ से एक ब्लैक कलर का एक फ़ोटो ले लेंगे, जिसे हम लोग शैडो के तौर पर यूज़ करेंगे। इसके बाद इसे मूव डाउन करेंगे, जिससे ये मॉडल के पीछे चला जाएगा। इसके बाद आपको इन्वर्ट पे क्लिक करना है इरेजर में जाने के बाद, और यहाँ पे हमें क्या करना है, रीस्टोर ब्रश से हमें क्या करना है, कुछ इसको रीस्टोर करना है। रीस्टोर करेंगे क्या कि हमें शैडो यहाँ पर बनाना है, तो मैं कुछ इस तरह से शैडो बना रहा हूँ। देखिए कुछ इस तरह से आप यहाँ पर शैडो बना लीजिए। इसके बाद इसकी ओपेसिटी हमें क्या करना है, करीब 60% के ऊपर रखना है, राइट। तो देखिए ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है यहाँ पर। अब हमें क्या करना है, बिना यहाँ से बाहर निकले आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ से आपको क्रिसमस वाली टोपी ले लेना है, ठीक है। यहाँ पर मैं हैट ले लेता हूँ क्रिसमस वाली। अब आपको क्या करना है, यहाँ पर इसके सर के ऊपर अच्छे से यहाँ पर सेट करना है। तो हमें पहले एक बार सेट करके यहाँ पर देखना होगा, और जो भी हिस्सा हमें बाहर की ओर लगेगा उस हिस्से को हमें इरेज कर देना है। तो देखिए यहाँ पर ये सेट हो चुकी है। अब मॉडल को सिलेक्ट करेंगे, इरेजर में जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, जूम कर लेना है। इरेजर का हार्डनेस फुल करके यहाँ से मैं इरेज कर लेता हूँ एक्स्ट्रा पार्ट्स को। तो देखिए यहाँ पर मैंने इरेज कर लिया है, काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है यहाँ पर। यहाँ पर हेड भी हमारा सेट हो चुका है, लेकिन इसमें थोड़ा सा कलर करेक्शन करना होगा। तो हमें एडजस्टमेंट में जाकर इसकी ब्राइटनेस कम कर देनी है, कॉन्ट्रास्ट बढ़ा देना है, सैचुरेशन थोड़ी सी कम कर देनी है, और थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा लेनी है। जो जो हम लोगों ने गिफ्ट के साथ किया था वही सब कुछ इसके साथ भी करना है, फाइन। अब इसके बाद मैं इसको डन कर देता हूँ। देखिए ये काफ़ी अच्छा सा लुक आ चुका है यहाँ पर। अब आपको फिर से ऐड फोटो में जाना है। ऐड फोटो में जाने के बाद आपको एक टेक्स्ट मिलेगा। यहाँ पर ये जो टेक्स्ट है ये है 2021 का टेक्स्ट। यहाँ पर मैं इसको अच्छे से रिसाइज करके ऐड कर लेता हूँ, ये भी हो गया। अब आपको क्या करना है, फिर से ऐड फोटो में जाना है, और यहाँ पर आपको जो है एक लास्ट पीएनजी ऐड करना है, हैप्पी न्यू ईयर का, वाइट कलर का होगा। आपको क्या करना है, इसे सिर्फ सिंपली रिसाइज कर देंगे तो यहाँ पर ये सेट हो जाएगा। तो देखिए यहाँ पर ये अच्छे से सेट हो चुकी है। अब मैं इसको डन कर लेता हूँ। तो फाइनली हमारा फोटो एडिटिंग जो है ये पूरी तरह से कंप्लीट हो चुका है। ना इसमें बहुत ज़्यादा झमेला है और ना ही कुछ और चीज़ें हैं, बस सिंपली आपको यहाँ पर एक के बाद एक पेस्ट करना है फ़ोटो को, राइट। अब आपको थ्री डॉट में जाकर इस फोटो एडिटिंग को कर लेना है सेव। अब हमें क्या करना है, लाइटरूम में इसका करेक्शन करना है। ओके, तो यहाँ पर मैं आपको प्रीसेट भी दे दूंगा, लेकिन मैं आपको कलर करेक्शन अच्छे से समझा देता हूँ कि आप
सीख जाएं कि कलर करेक्शन करते कैसे। तो यहाँ पर मैंने फ़ोटो ओपन कर लिए। इसके बाद आपको सिंपली जाना है प्रोफाइल में। प्रोफाइल पे क्लिक करेंगे यहाँ पर तो हमें एक प्रीसेट, यहाँ पर प्रीसेट्स का बहुत सारा कलेक्शन मिल जाएगा। तो हमें आर्टिस्टिक में जाना है, आर्टिस्टिक 05 को हम लोग क्लिक करेंगे। फाइन, तो देखिए ये काफ़ी गोल्डन सा लुक आ चुका है यहाँ पर, राइट। अब आपको इसको क्या करना है, सिंपली डन कर देते हैं। इसके बाद आपको जाना है लाइट में। तो ये रहा हमारा लाइट, लाइट पे क्लिक करना है हमें, ये रहा। अब आपको क्या करना है, इसका एक्सपोजर जो बिल्कुल ज़रा सा बढ़ा लेंगे, ओके। 0.11 EV के पास में मैंने बढ़ाया है। और इसके बाद इसकी कॉन्ट्रास्ट थोड़ी सी कम कर लेंगे, थोड़ा सा हाईलाइट यहाँ पर कम कर लेंगे क्योंकि बहुत ज़्यादा वाइट है। शेडो को थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं और यहाँ पर वाइट्स को भी बढ़ा लेंगे थोड़ा सा, और ब्लैक्स को थोड़ा सा कम कर लेंगे, ओके, जिससे एक अच्छा सा इफेक्ट लुक आ सके। इसके बाद आपको जाना है कलर में। कलर में यहाँ पर विब्रेंस हम लोग बढ़ा लेंगे और सैचुरेशन जो है उसको भी बिल्कुल ज़रा सा बढ़ा लेंगे। इसके बाद आपको जाना है मिक्स में। मिक्स में जाने के बाद आपको चूज़ करना है येलो कलर, और यहाँ से मैं इसका जो कलर है गोल्डन की तरफ लेके जा रहा हूँ, तो -72 के पास ले गया, और सैचुरेशन जो है 16% और ल्यूमिनस 13%। इसके बाद आपको यहाँ पर ऑरेंज कलर में जाना है, और इसका जो यू है हमें रखना है करीब 27%। सैचुरेशन यहाँ पर हमें क्या करना है, माइनस करना है -35, और ल्यूमिनस को बढ़ा लेना है 21%। इसके बाद रेड कलर पे जाएंगे, और यहाँ पर हमें क्या करना है, यहाँ पर कलर का कोई छेड़ नहीं करना है, बस सिर्फ ल्यूमिनस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे, ओके। अब इसके बाद इफेक्ट में चलते हैं। इफेक्ट में थोड़ी सी क्लैरिटी बढ़ा लेते हैं, थोड़ा सा डीएस बढ़ाएंगे हम, और विग्नेट की ज़रूरत यहाँ पर बिल्कुल भी नहीं है। इसके बाद हमें शार्पनेस ले लेते हैं, शार्पनेस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे करीब 60% के पास में। यहाँ पर रेडियस को थोड़ा सा बढ़ा लेंगे 1.20, और मास्किंग बढ़ा लेंगे 12% के पास। नॉइस रिडक्शन हमें रखना है करीब 30% के पास, और कलर नॉइस रिडक्शन को भी 30 के पास में ले के जाएंगे। ये रहा हमारा 30% कंप्लीट। तो आप देख सकते हैं ये फोटो एडिटिंग पहले किस तरह से दिख रही थी और ये अब किस तरह से दिख रही है। काफ़ी गोल्डन और अमेजिंग सा शाइनी इफेक्ट आ चुका है। फाइन, तो अब हम लोग क्या करेंगे, इस फोटो एडिटिंग को कर लेंगे सेव। आई होप आप लोगों की वीडियो बहुत ज़्यादा पसंद आई होगी। तो यहाँ पर शेयर के ऑप्शन में जाएंगे और यहाँ से फोटो एडिटिंग को कर लेंगे सेव। और जिन लोगों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और बेल आइकन ज़रूर दबाना जिससे आपको लेटेस्ट नोटिफिकेशन मिलता रहे। अब देखिए यहाँ पर मैं आपको दिखाता हूँ कि प्रीसेट कैसे करते हैं। तो ये रहा, मैंने दो फोटो ऐड की हुई थी, तो ये रहा प्रीसेट। आपको क्या करना है, सिर्फ 3 डॉट में जाकर कॉपी कर लेना है सारी सेटिंग्स को, और इसके बाद ये रहा हमारा फोटो। 3 डॉट में जाएंगे और यहाँ पर पेस्ट सेटिंग लिखेंगे। तो पेस्ट सेटिंग करने के बाद देखिए ये अमेजिंग करेक्शन जो है अपने आप हो गया। तो बहुत सारे लोगों को ये आता होगा, जिन लोगों को नहीं आता मैंने अभी बता दिया, और सिंपली इस तरह से सेव कर लेंगे, ओके। तो चलिए मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, और कमेंट करके बताओ वीडियो कैसी लगी।